evening, everyone. So, today I'm going to talking about chapter number 6, Madame Marie Curie. Madame Marie Curie. But here, chapter number is the name of the chapter, Marie Curie. So, here I'm going to talking about, she was the first woman to win a Nobel Prize, including her husband and two daughters also. It's the biggest award of the world, isn't it? Biggest of award of the world. So, here, today I'm going to talking about मैडम मेरी क्यूरी. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज हम मैडम मेरी क्यूरी के बारे में बात करते हैं. शी वाज अ साइंटिस्ट आल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो हियर मैरिया सोलोमन स्कोलबर्ग, अ लेटर कॉल्ड मेरी क्यूरी, वाज बोर्न ऑन 7 नवंबर. ओके, पहले उनका नाम क्या था? मैडम मेरी क्यूरी का नाम क्या था? मैरिया सोलोमन स्कोलबर्ग. ओके, उसके बाद उनका नाम मैडम मैरी क्यूरी पड़ा. वॉज बोर्न ऑन 7 नवंबर 1867 इन वर्सोवा पोलैंड. शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन, मतलब 5 बच्चों में ये सबसे छोटी थी. हर फादर वॉज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, इनके पिताजी एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के. सो मैरी वॉज अ ब्राइट एंड हार्ड वर्कर स्टूडेंट एंड शी कम्प्लीटेड हर, मतलब ये बहुत ही हार्ड वर्क थी पढ़ाई में. ओके, और स्टूडेंट भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी. शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास ऑल्सो एंड शी इज अ हार्ड वर्कर ऑल्सो. स्कूलिंग सक्सेसफुली, इवन विनिंग अ गोल्ड मेडल ऑल्सो, ये गोल्ड मेडलिस्ट भी थी. शी वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर सिंस द फैमिली वॉज गोइंग थ्रू अ टॉट टाइम. शी वर्कड एट अ गवर्नर्स, मीन्स गवर्नर्स जो होता है जो बच्चों को दिन रात उनके घर में रह के काम, मतलब देखभाल करने वालों को गवर्नेस कहते हैं. फॉर ए फ्यू ईयर्स टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए उसने ये काम भी किया था. वेन शी वॉज 24 ईयर मैरिन ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस. एट फर्स्ट शी स्टडी इन पेरिस विथ हर सिस्टर ग्रोइना हु हैड मैरिड अ डॉक्टर, उनकी सिस्टर थी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी उनके यहाँ थी वो, जो उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे. लेटर शी रिटर्न अ टीनी रूम शी ऑफ्टन हैड टू गो विदाउट वाटर लाइट एंड heating, but she did not let the lack of comforts distract her from her studies. मतलब उसके स्टडी को बहुत रोका गया उसके बारे में, मतलब पहले वहाँ लड़कियों को पढ़ाई करने से बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब पढ़ाई करने से मना कर जाता था. Mary studied hard and she was one of the best student in her university. वो एक ऐसी स्टूडेंट थी बहुत ही अच्छी लड़की, मतलब यूनिवर्सिटी में वो सबसे टॉपर थी. She completed her course in physics in just 3 years. उसने 3 years में ही physics का जो course था 3 years में complete कर लिया था. She wished to remain in Paris to continue her studies. उसने continue किया. But she had to return home to Poland as all her savings were used up. मतलब वो फिर अपने Paris जाना चाहती थी, वहां से जो अपना earn किया था पैसे जिसने कमाया था उतना.